साहब है, काम वो अभी आईसीए के लिए कर रहे हैं, उन सोनू टीवी से उनका ताल्लुक है, उन्होंने कुछ और लोगों ने मसलसल मुझे दोस्तों इमरान खान का साथ देना महंगा पड़ गया। दो सहाफी हारून रशीद के साथ ताकतवरों का शदीद जुल्म। हारून रशीद ऐसे सीनियर सहाफी हैं कि जिन्होंने हमेशा इमरान खान के लिए हक सच की आवाज बुलंद की। हारून रशीद ने खुलकर ताकतवरों को पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार करार दिया था, जिसकी वजह से आज उनको ऐसे हालात में पहुँचा दिया गया है जहाँ से वो रोते हुए इमरान खान के चाहने वालों से मदद की अपील कर रहे हैं। दोस्तों हम इमरान खान के सिपाही होने की वजह से ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। एक जनाब रिटायर्ड जज साहब हैं, काम वो अभी कर रहे हैं, जनरल साहब हैं, काम वो अभी आईसीए के लिए कर रहे हैं, और सोनू टीवी से उनका ताल्लुक है, उन्होंने कुछ और लोगों ने मसलसल मुझे कहा तुम्हें अगवा किया जाएगा, तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हारे हत्या के मैंने तो सियासी प्रोग्राम करना भी छोड़ दिया, गैर सियासी प्रोग्राम करता था उनके हुक्म पे। उसमें साथ नजीर साहब भी शामिल हैं, पहले तो वो बड़ी मरबत का मुजाहरा करते रहे, मेरे आने के बाद मैं भी उनसे मरबत का मुजाहरा करता रहा, बड़ी मेरी दिलजोई की कोशिश भी करते रहे। उसी जमाने में मेरे बेटे को उन्होंने कोई कंस्ट्रक्शन का काम दिया था, उसके बहुत से पैसे उन्होंने रोक लिए हैं, और वो हम लोग खुदा न खासा मोहताज नहीं है, अल्लाह का फजल है, लेकिन इतना बड़ा दबाव भी अब नहीं सह सकते इस महंगाई में। वो मैं इंशाल्लाह ये सब चीजें रिकॉर्ड कर दूंगा, वो कौम तक पहुंच जाएगी और लोगों को कुछ को मालूम है वो भी पहुंचा देंगे। तो अगर कोई, मैं ये चाहता था कि अगर उन्होंने मुझे अगवाई करना है, जो अब तक तो कोई मुझे धमकी तक नहीं मिली, और अगर कुछ और करना है तो मैं घर पे हूँ, मेरे घर वालों को पता, तो अचानक मुझे न ले जाए, तो उसकी वजह से कुछ और जाहिर है कुछ कोताहियां भी हैं सेहत के मामले में, उम्र का भी अमल दखल है, वो खाना पीने में भी बहुत एहतियात मैं नहीं करता, नींद में मेरी खराब हुई, तो इस वजह से मैं ठीक से नहीं कर सकता उस तरह चीज़ों को, और ताखीर भी बहुत हो जाती है। और मैंने कभी आपसे ये नहीं कहा था कि इसको प्रोग्राम को जो है वो करें अपना, उसकी कुछ को सपोर्ट दें, लेकिन अब कोई चारा नहीं है इसके सिवा, और अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे इसको तो फिर मुझे बंद करना पड़ेगा, इसलिए कि मैं इतनी अजियत बीमारी में कोफ्त में उठाता हूँ, तो अगर ये लोगों को पसंद ना हो और ये मेरा जरिया रोजगार भी ना बन सके तो मैं फिर इसको खत्म कर दूंगा, मजबूरी होगी। कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि इमरान खान जैसे मकबूल तरीन लीडर की पार्टी में शमूलियत अख्तियार करूं, पर मुझे दुख होता है कि पाकिस्तान में ताकतवर इदारे जमहूरियत को कमजोर करते हैं। जो आज कमजोर हैं वो कल ताकतवर थे, और जो कल कमजोर थे उन्हें आज बजोर ताकतवर बनाने की कोशिश की जा रही है। दोस्त सहाफी हारून रशीद ने मजीद कहा कि मैं इमरान खान की मुकम्मल हमायत और सपोर्ट का ऐलान करता हूं, और अनकरीब तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान भी करूंगा। दोस्तों इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।